ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है, जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको इस 30 मिनट में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज बच्चे कहानी सुनेंगे, कहानी के बाद एक गीत और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र शास्त्र यानी बाइबल से परमेश्वर का वचन होगा। तो श्रोताओं, आइए बच्चों की कहानी सुनने से पहले इस गीत को सुनते हैं।
प्रिय बच्चों, तुम्हें उषा आंटी का नमस्कार। एक अजनबी मुसाफिर किसी गांव में पहुंचा। गांव में दाखिल होते ही उसे कुछ लोग मिले। एक बुजुर्ग को संबोधित करते हुए उसने पूछा, इस गांव के लोग कैसे हैं? क्या वे अच्छे और मददगार हैं? बुजुर्ग ने अजनबी के सवाल का सीधे जवाब नहीं दिया, उल्टे एक सवाल कर दिया, मेरे भाई, तुम जहाँ से आए हो वहाँ के लोग कैसे हैं? क्या वे अच्छे और मददगार हैं? वह अजनबी दुखी होकर बोला, मैं क्या बताऊँ, मुझे तो बताते हुए भी दुख होता है कि मेरे गांव में लोग अत्यंत दुष्ट हैं, इसलिए मैं वह गांव छोड़कर आया हूँ। लेकिन आप यह सब पूछकर मेरा मन क्यों दुखी करते हो? बुजुर्ग बोला, मैं भी बहुत दुखी हूँ। इस गांव के लोग भी वैसे ही हैं। तुम उन्हें उनसे भी बुरा पाओगे। तभी एक और राहगीर आ गया। उसने भी उस बुजुर्ग से वही सवाल किया, इस गांव के लोग कैसे हैं? बुजुर्ग ने भी पूर्ववत उल्टा जवाब दाग दिया, पहले तुम बताओ कि जहाँ से तुम आए हो वहाँ के लोग कैसे हैं? राहगीर यह सुनकर मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने कहा कि मेरे गांव के लोग इतने अच्छे हैं कि उनकी स्मृति मात्र सुख की अनुभूति होती है। वह गांव छोड़ते हुए मुझे दुख हुआ, लेकिन रोजगारी की तलाश यहाँ तक मुझे ले आई है, इसलिए पूछ रहा हूँ कि यह गांव कैसा है। बुजुर्ग बोला, दोस्त, यह गांव भी वैसा ही है। यहाँ के लोग भी उतने ही अच्छे हैं। वास्तव में इंसान में भेद नहीं होता। जिनके संपर्क में हम आते हैं वे हमारे ही तरह हो जाते हैं, अच्छे के लिए अच्छे और बुरे के लिए बुरे। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं या फिर स्वास्थ्य विषय पर पत्राचार द्वारा अध्ययन करना चाहते हो तो हमें इस पते पर लिखें, वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। श्रोताओं, इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन सुने, आइए ये गीत सुनते हैं। मेरी अपनी हंसी
या मसीह तू है मर
रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, हम जानते हैं कि स्वस्थ रखने के लिए या रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा को मजबूत और सुदृढ़ करने के लिए आत्मिक भोजन की आवश्यकता होती है। परमेश्वर के वचन आत्मिक भोजन के रूप में आपको जीवन देते हैं। जितना अधिक आप अपनी आत्मा को आत्मिक भोजन से तृप्त करेंगे, उतना ही अधिक आप जीवन की भरपूरी पाएंगे। नीति वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारणा कर, क्योंकि वे प्राप्त होती है, वे उनके जीवन जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वचन ही जीवन है और वही हमारे अंदर विश्वास पैदा करता है, तभी तो नीति वचन में लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि वही जीवन का मूल स्रोत है। वचन केवल चंगाई ही नहीं लाते, बल्कि ये स्वास्थ्य भी प्रदान करते हैं। आप कहीं भी कोई भी काम करें, परमेश्वर के वचनों को अपनी आंखों की ओट ना होने दें। इनसे उत्पन्न विश्वास ही हमें हर भली वस्तुओं से तृप्त कराता है। भोजन करने से हमारे शरीर को ताकत मिलती है, तब उसको हम दूसरे कामों में इस्तेमाल करते हैं। यही बात विश्वास के संबंध में भी सच है। आत्मिक व्यक्ति आत्मिक भोजन ग्रहण करता है और इससे उसमें आत्मिक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे विश्वास के नाम से भी जाना जाता है। पहले विश्वास में दृढ़ होंगे, फिर परमेश्वर से मांगने की हिमाकत करें। बगैर विश्वास के तो वो हमारी प्रार्थनाओं को भी नहीं सुनता है। हमारा विश्वास दो बातों में होना चाहिए, पहला हमारे बोलचाल में, दूसरा हमारे व्यवहार कामकाज में। याकूब 1:22 में लिखा है कि वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। यूहन्ना 3:21 में यीशु ने कहा, जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए। याकूब 2:7 में लिखा है, विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। आज ही से अपने जीवन की शुरुआत परमेश्वर के वचनों को सुनने पढ़ने से करें, जैसे आपको काम दूसरों के सामने दर्शाते हैं वैसा ही आपका विश्वास भी मजबूत होना चाहिए। जैसा आप बोलते हैं वैसा करें भी, अंधविश्वास में ना जिए, ना ही शक के दायरे में अपने को आने दे। परमेश्वर के वचन सच्चे हैं, वे हर समय क्रियाशील रहते हैं। बाइबल कहती है कि आप चंगे हो गए, तो इसमें कोई शक नहीं कि आप चंगे हो गए। परमेश्वर कहता है, तुम
अपने विश्वास के अनुसार उसका प्रतिफल पाओगे। मत्ती 17:20 के अनुसार अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा, कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। इसका मतलब है कठिन से कठिन काम, कठिन से कठिन परेशानियां जो आपको पहाड़ जैसा दिखता है, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पहाड़ से दिखने वाली बीमारियों को, आंसुओं को, परेशानियों को ठीक करेगा। जिस तरह से बाइबल में विश्वास के बारे में हर जगह लिखा है, उसी प्रकार धैर्य के संबंध में भी बहुत सी बातें लिखी हैं। बगैर विश्वास और धैर्य से काम ना लेने से व्यक्ति धोखा खाता है। हमारे अंदर यदि धैर्य नहीं है तो विश्वास बेकार है, क्योंकि विश्वास के बाद धैर्य की ही आवश्यकता पड़ती है। बाइबल हमसे कहती है, इब्रानियों 10:35-36 में लिखा है, अपना हिवाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना चाहिए ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल लाओ। मेरे दोस्तों, क्या आपके अंदर विश्वास की कमी है? क्या आपका विश्वास कर्म रहित है? तो परमेश्वर आपके विश्वास को जागृत कर सकता है, आपके विश्वास को वो मजबूत कर सकता है। अगर आप प्रार्थना करें, वो आपको शक्ति देगा कि आप उस पर विश्वास करें, कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो आपको आपके जीवन में पहाड़ जैसे दिखने वाली परेशानियों को दूर करेगा। कि आप तैयार हैं, तो आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आज तेरे पास आते हैं प्रभु, अपने छोटे से विश्वास को लेकर आज हम प्रार्थना करते हैं अपने सुनने वाले श्रोताओं के लिए प्रभु, तो उनके साथ हो, उनके जीवन में जो भी मुसीबत है, पहाड़ से दिखने वाली मुसीबत परेशानी प्रभु, तू उन्हें दूर कर और उन्हें शक्ति दे कि वे वचन में चलने वाले बने, सत पर चलने वाले बने। हम उनके जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप हमें कभी भी किसी भी समय फोन कर सकते हैं, अपने परेशानियों को, बीमारियों को बता सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे फोन किया, मुझसे बातें की। परमेश्वर ने उनको आशीषित किया, उनको चंगाई दी है। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरा ईमेल आईडी है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। आप हमारे कार्यक्रम को ऑनलाइन में भी सुन सकते हैं। हमारा पता है AWR हिंदी एशिया। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।
उम्मीद करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा अवश्य लिखें। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्टबॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। श्रोताओं, अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इस मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।